यूट्यूब पे एक बार स्टोरी देखी जी हकीम जी सुलेमान जी, जी, जी की कि उनकी जो दवाई है चलो मैं मंगवा के देखती हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैंने उनकी दवाई तीन महीने से खा रही हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट फर्क है नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी दर्शकों चंडीगढ़ विजिट पे है सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम जैसा कि आप सभी जानते हैं हकीम सलमान खान साहब ने मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम आ रहे हैं आपके घर आपकी सेहत का हाल जानने आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो जगह है चंडीगढ़ और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए और उनकी सेहत का हाल जानने के लिए हम उनके घर पे मौजूद हैं जी हाँ मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है वंदना जी बिना देरी किए उनका स्वागत करेंगे और जानते हैं हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी और कितनी सेहतमंद अब वो हो गई हैं बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका धन्यवाद मैम स्वागत है मैम uh, आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी मैम एक्चुअली मेरे हाथों में प्रॉब्लम थी hmm. कि मेरे हाथ काफ़ी टाइम काफ़ी साल से मतलब फट जाते थे hmm. जैसे मैं कोई काम करती हूँ hmm. जैसे ड्राई हो जाते थे फिर उसके hmm. hmm. बाद ये फट जाते थे ठीक hmm. है तो मैंने मैम बहुत दवाइयाँ ली hmm. एलोपैथिक hmm. ली होम्योपैथिक ली hmm. Hmm. तो मैम एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे एलोपैथी दवाई ले रही हूँ उसमें मैम टू एड था तो वो टू एड होने की वजह से मेरे जो हाथ थे वो हाथ तो ठीक हो गए तो स्टू मेरे अंदर जाता रहा तो मेरे को मैम अभी लास्ट ईयर हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को पेन क्रियाज में प्रॉब्लम आ गई हु, तो पेन क्रियाज जैसे वो मैंने इलाज कराया फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं ट्वेल्व डे आईसीयू में रही जी, जी, जी। तो देन आफ्टर मैम फिर मैं वहाँ से तो ठीक हो गई हूँ बट फिर मेरे हाथों का पैरों का वही हाल हो गया हुँ, हुँ. तो फिर मैंने यूट्यूब पे एक बार स्टोरी देखी जी, हकीम जी, सुलेमान जी, जी की हुँ. तो फिर मैंने देखा कि भी उनकी जो दवाई है भी मतलब चलो मैं मंगवा के देखती हूँ कि कैसा रिस्पांस रहेगा तो मैंने उनकी दवाई तीन महीने से खा रही हूँ मेरे को 75 परसेंट फर्क है जी उन दवाइयों के नाम हम जान सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं इस पे मैं, मैं अपना सिरका ठीक है और एल केयर वो खा रही हाँ एक दो टाइम में अलविरा सिरका अपना गर्म पानी के साथ डेली और एक टाइम मैम एल केयर खा रही हूँ ठीक है तो आपने एलकेयर और एलोवेरा का सिरका हाँ इस्तेमाल कर हाँ रही हैं हाँ आप उससे पहले आपने आ, कितने वक्त में ये असर दिखना आपको शुरू हुआ कि मुझे आराम मिल रहा 15 है 15 से मतलब मेरे को लगने लग गया कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी मेरे, मेरे को बहुत फर्क है जी आप अपने हाथ हमें दिखा सकती हैं मैम ये मैम पूरे ब्लैक हो जाते थे अच्छा फट जाते थे कट जाते थे और मैम ये मेरे हाथ साफ है सॉफ्ट है अच्छा। हाँ अब ये नहीं है कि मेरे को हाथों में कुछ लगाना नहीं, पड़े मैं नारियल का तेल अप्लाई करती थी या कुछ करती थी अब मेरे को आराम है मैं बहुत खुश हूं कि मैंने हकीम साहब से जुड़ी हूँ ट्रीटमेंट लिया है किसी के जरिए आपको पता चला था कि YouTube पे हकीम साहब एक्चुअली एक बार मेरी फ्रेंड ने बताया था मैंने इस बात को शायद थोड़ा इग्नोर किया था कि चलो दवाई थोड़ी भी पता नहीं इतनी दूर से कैसे जी 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 तो फिर मैंने एक दिन YouTube पे देखा तो फिर मेरे को पता लगा कि ऑनलाइन भी मैं दवाई घर से मंगवा सकती हूँ तो मैंने फिर सर्च करके नंबर फ़ोन किया कॉल की तो वहाँ पे मेरी इनकी टीम से कॉन्टेक्ट हुआ हुँ। तो हुँ। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये वाले अलवीरा सिरका और एलकेयर कैप्सूल आप मंगवा सकते हो आपकी दो महीने की मेडिसन रहेगी आप मंगवा लो देन आफ्टर मैंने अभी थोड़े दिन पहले फिर मंगवाई है अच्छा ये जो ड्राइनेस की आपको प्रॉब्लम थी मैम ये कब से शुरू हुई थी ये मैम मैं फिफ्टीन ईयर्स पहले अच्छा और आपकी एज कितनी है मैम मेरी एज है अच्छा यानी कि आपने पंद्रह साल इंतजार किया कि मैं ठीक हो जाऊं आपने बहुत सारी दवाइयां खा ली लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिला नहीं मैम और, वो और रिलीफ था अच्छा जब दवाई खाती थी तब आराम है और दवाई छोड़ देती थी तो फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी लेकिन हकीम साहब की जो दवाई आप खा रही हैं एलोवेरा का सिरका और एल केयर एल केयर कैप्सूल तो उसमें तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है की जब खाते मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे

अपना अभी स्टडी के के लिए के लिए होटल मैनेजमेंट अपनाडा गया है तो ये ठीक हो मेरे को फर्क है मैम सेवेंटी फाइव परसेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट एक मंथ जो भी मैंने दवाई मंगवाई है जी, 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 मैं भी है। उससे मैं ठीक हो जाऊंगी तो उन्होंने परेज बताए हैं मैम कई बार मेरे से थोड़ा परेज नहीं होता क्यों हाँ नहीं होता कई बार कुछ खाने को मन करता है अच्छा, अच्छा। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब सारा कुछ जो उन्होंने बोली है मैं उसको फॉलो करूँ फ्राइड खाना बंद करूँ या कोई खट्टी चीज वगैरह जो उन्होंने मना की है कि मैं खानी बंद करूँ और मैं जल्दी जल्दी ठीक बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी मैम बस वो जो परहेज आप नहीं कर पा रही है कि कई बार <laughs> तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब बच्चे भी नहीं है नहीं, भी मैंने, अकेले ही खाना है कुछ जी, जी। अपने लिए कि अब मैं थोड़ा परहेज करूँ जी तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं है, जैसे कोई बच्चे को कुछ होता था तो मैं घरेलू जो नुस्खे है मैम उसको ही प्रेफरेंस देती थी अच्छा पहले से हा, हा, थी। जैसे का बच्चे का गला खराब है उसको शायद अदरक वगैरह का जूस वगैरह निकाल के हुँ। हुँ। दे देना हुँ। हुँ। बच्चे को कान में कुछ दर्द है तो लहसुन और सरसों के तेल को गर्म करके वो बच्चों के करती थी अच्छा ठीक है आपकी फ्रेंड्स भी होंगी ठीक है उन्होंने आपकी तकलीफ भी देखी होगी आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी हाँ जी तो, तो, कर तो अच्छा, रियक्शन है उनको तो ये है कि हमने भी अपनी दवाई मंगवानी है किसी को शुगर है या किसी के गोडो में प्रॉब्लम है तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम दवाई मंगवाएं हकीम जी से हाँ तो यानी कि आप वो नेक कार्य कर रही हैं कि आपको आराम मिला है तो आप लोगों तक भी बता रही हैं मेरी तीन चार फ्रेंड्स है उन्होंने मंगवाई है दवाई अभी तो अभी दो तीन और तो वो कहते हैं हमने भी वो करवानी है दवाई मंगवानी है मेरी खुद की सिस्टर है, उसको, कब हुँ। है तो मैंने उनको भी तो उनसे आपकी बात हुई तो कुछ है फीडबैक उनका मैम अभी उन्होंने दवाई मंगवाई है अभी खानी शुरू करेंगे विदिन जैसे आ जाएगी दो तीन दिन में आ जाएगी हाँ जी तो मैंने उनको बोला है की आप दवाई तो ये नए कार्य आपको छोड़ना नहीं है मैम जो जो आपको मिलते रहे और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक आप दवाई जरूर बताइएगा मैम जी मैम जरूर जी आ, कैसा लग रहा है मैम हकीम साहब से जुड़ के हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके और जैसे कि आप 75 परसेंट अच्छी भी हो गई हैं तो क्या तो मैं, मैं मेरे को थे? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को लग रहा है कि मेरे को जैसे मेरे को लग रहा था कि मैं लाइफ लॉन्ग दवाई खाती रहूंगी मैं कभी ठीक नहीं मेरे हाथ छोड़ दी थी क्या आपने कि आप नहीं ठीक हो नहीं 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 हाँ मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल मैंने दिमाग में ये था कि अब मैं दवाई खाती हूँ नहीं ठीक होता तो अब इनकी दवाई से मेरे को लग रहा है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी इन फ्यूचर मेरे को कोई भी स्टू वाली कोई ऐसी होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई नहीं खानी पड़ेगी तो वंदना जी कॉन्फिडेंस आ गया है हाँ, हाँ, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है जी हाँ। तो घर का काम आप खुद करती हैं हाँ, हाँ, मैं खुद करती, ही करती है थोड़ा कोई है जैसे थोड़ा झाड़ू पोचे के लिए काम वाली है बाकी काम मैं खुद खाना वगैरह हाँ, हाँ, खाना वगैरह खुद बनाती हूँ जी चलिए तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके जरिए हमें ये पता चला कि आपको हकीम साहब की दवाइयों से कितना फायदा मिल रहा है जो दर्शक आपको सुन रहे हैं क्या उनके लिए कोई मैसेज तो मैं ये कहती हूँ कि यदि बंदे ने बहुत जगह ट्राई कर लिया हो बंदे को कहीं से आराम ना मिला हो तो मैं चाहती हूँ कि वो हकीम साहब की ही दवाइयाँ लें और उनसे बेनिफिट होगा तो इन फ्यूचर उनको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने खुद ऐसी दवाई ली है कि मेरे को लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ और लोग भी उनकी दवाई लेके उनका ट्रीटमेंट लेके क्योंकि ये जुनानी दवाइयां हैं तो उनको फर्क पड़ जाएगा और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हकीम साहब की दवाइयां बहुत बेस्ट है हकीम साहब के लिए कोई मैसेज मैं तो कहती हूँ हकीम साहब तो मेरे लिए एक गोड है हाँ भगवान ने उनको मेरी लाइफ में भेजा है कि हाँ मैंने दवाई खाई है वो मेरे लिए एक भगवान समान है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि भी इनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा इलाज शायद ना कर पाता हो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा वन्ना जी आपके घर हम आए और आपने अपना वक्त हमें दिया हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप बहुत अच्छी रहें बहुत सेहतमंद रहें और हमेशा निरोगी रहें बहुत बहुत शुक्रिया मैम थैंक यू मैम तो दर्शकों अभी आपने सुना वंदना जी को जिन्हें हाथों में पैरों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी बहुत सारे इलाज उन्होंने कराया लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पाया था हकीम साहब से वो जुड़ी यूट्यूब के ज़रिए उनकी एक फ्रेंड ने बताया था तो मैम ने वो कोशिश करी मैम ने वो विश्वास रखा कि चलो एक बार ये और ट्राई करते हैं इतनी सारी दवाइयाँ तो मैंने खा ली हैं क्या पता मुझे यूनानी ट्रीटमेंट से ही आराम मिल जाए वैसे वो बिल्कुल ही आशक हो चुकी थी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी ये ड्राइनेस जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी लेकिन वो जो उम्मीद होती है दर्शकों को वो उन्होंने नहीं छोड़ी हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट अपनाए घरेलू नुस्खे अपनाए और आज देखिए 75 परसेंट वो ठीक हो गई है आप भी जुड़ सकते हैं यूनानी ट्रीटमेंट से आप भी हमारे प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा बल्कि एक फैमिली मेम्बर बन सकते हैं अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है अगर आपको हुआ है हकीम साहब की किसी दवाई से फ़ायदा आप कर रहे हैं और लोगों की खिदमत तो आप भी अपना इंटरव्यू हमें दे सकते हैं तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और मुझे भी दीजिए इजाज़त नमस्कार